अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग। यार एनिमल मूवी का जो सॉन्ग है पापा मेरी जान, पहले तो मैं करना चाह रहा था उसका, पहले भी मैं वो भी करूँगा, लेकिन ये जो मेलोडी है ना इतनी ज़बरदस्त सुकून वाली मेलोडी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, चार कॉर्ड्स है सिर्फ, पूरे गाने में चार कॉर्ड्स हैं, ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर और बी माइनर। बस सुन लिया मैंने सॉन्ग, अब मैं आपको इसके नोट्स बताता हूँ पियानो पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में गिटार पे। तो ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ई माइनर से ये सॉन्ग है, तो ई माइनर का स्केल क्या होगा, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी, डी, ई, इन नोट्स में सॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन देखते हैं, अंबर पे मेरे, अंबर पे मेरे। तो अंबर मैंने कैसे बजाया, E3 लिया है मैंने, अंबर को दो सिलेबल्स में डिवाइड करना है, अंबर, E3 और B3। अंबर पे मेरे, पे B3 मेरे, C4 और B3, ये टाइमिंग है। ठीक है, और इस लाइन में कॉर्ड कहाँ बजेगा, बिल्कुल फर्स्ट नोट पे, अंबर पे मेरे। अब देखो मैं फिंगर ऑर्डर क्या रख रहा हूँ, थंब और मिडिल, पे मेरे, और यहाँ कॉर्ड के लगाया ई माइनर, आता होगा ई माइनर, ई रिंग फिंगर से, इंडेक्स से जी, सेकंड ऑक्टेव पे हूँ, और थंब से बी, बी, ये कहाँ लगेगा, बिल्कुल फर्स्ट नोट पे, पे मेरे। फिर एक ही तारा, एक ही, एक E3 और F#3, एक थंब से बजाया E और F# इंडेक्स से, और ही कहाँ ले लिया, G3 पे। फिर तारा, तारा के तीन सेलेबल्स हैं, G3, A3 और G3, और यहाँ कॉर्ड कौन सा लगेगा, डी मेजर, ऐसे। डी मेजर कैसे बनाया, रिंग से डी, इंडेक्स से F#, और थंब से ए, ये सिंपल कॉर्ड से बने। पे मेरे एक ही तारा, समझ रहे ना, वो तो आप खुद ही फिर टाइमिंग तो खुद ही आप एडजस्ट कर लेंगे अगर आपने मेलोडी सुनी हुई है तो, एक ही ऐसे तारा, फिर कहता है वो एक तारा, वो E3 पे ले लें, वो एक, B3 पे चले जाएं, एक तारा, तारा B3, C4, B3, और यहाँ कॉर्ड कौन सा है, थर्ड लाइन में सी मेजर। सी मेजर कैसे होगा, सी रिंग से, इंडेक्स से ई, और थंब से जी, वो एक तारा, हो के दो सेलेबल्स हैं, F#3 और G3, और तुम F# है, हो तुम, और यहाँ कॉर्ड कौन सा है, हो तुम पे बी माइनर। बी माइनर की इन्वर्स पोजीशन पकड़ते हैं, तो डी ले लेंगे रिंग से, F# पकड़ेंगे फिर इंडेक्स से, और थंब से पकड़ेंगे बी, ये हो तुम। अब पूरी लाइन सुने, ऐसे बजेगा। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि अभी सुना है, अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, तो यह है कि आप इसको प्रैक्टिस करके जब बजाएंगे तो बिल्कुल फ्लो में लाइंस आएंगी, और यही चीज रिपीट हो रही है, लिरिक्स चेंज है बस। तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, ना कोई खुदा, ना कोई खुदा, ना E3 पे आ जाएगा, कोई के दो सेलेबल्स, B3, B3, खुदा C4, B3, और वही ई माइनर कॉर्ड। फिर मेरा तेरे सिवा, मेरा E3 F#, मेरा तेरे G3, G3, सिवा A3, G3, और यहां कॉर्ड कौन सा है, डी मेजर,
समझ ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, इसी तरीके से टाइमिंग बनाते जाएंगे, सॉन्ग बनता जाएगा। मेरा जग सारा हो तुम, फिर सी मेजर कॉर्ड के साथ। अब मेरा दो सिलेबस ले रही है, E3 E3। मेरा जग जग का वैसे दो सिलेबस बन रहे हैं, एक ही बना लें तो प्लेइंग में बाज़ होगा, चीज़ें थोड़ी सिंपल रखनी पड़ती हैं। मेरा जग तो B3 पे जग ले लें, सारा सारा के तीन सिलेबल्स, B3 C4 और B3। अब हो तुम थोड़ा सा चेंज है, उसमें बी माइनर कॉर्ड तो लगेगा, वही कॉर्ड्स तो सेम चल रहे हैं, फिर यह चला जाएगा। ये हो तुम, पहले हम वापिस आ रहे थे F# पे, अब हम A पे चले जाएंगे। हो तुम, तो हो के दो सिलेबल्स F# और G, और तुम का एक जो A3 पे जाएगा। फिंगर ऑर्डर क्या रखा है मैंने, मिडिल थंब और रिंग। आप अपना भी फिंगर ऑर्डर रख सकते हैं, ठीक हो गया, दो लाइंस हो गई। आगे चलते हैं, फिर कहता है मैंने तुम्हें, तो मैंने जो है ना उसके तीन सेलेबल्स हैं और थोड़ा सा फास्ट बजेगा, मैंने ऐसे, तो क्या बजा रहा हूँ, D4 E4 और D4। तुम्हें कहाँ जाएगा, A3 और B3, और कॉर्ड क्या, कॉर्ड वही चल रहे हैं, ई माइनर आ जाएगा यहाँ पे। और कौन से नोट पे आएगा, मैंने ने पे आएगा, थर्ड नोट पे यहाँ आएगा, ठीक है, उसको फर्स्ट नोट पे नहीं लगाना वरना टाइमिंग आउट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह बजेगा। फिर कहता है जहां रखा, सेम नोट्स हैं, जहां जहां के तीन नोट्स वही D4 E4 और D4, रखा दो सेलेबल्स A3 और B3, लेकिन कॉर्ड यहां क्या होगा, डी मेजर, वही थर्ड नोट पे, जहां 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 रखा, ऐसे आपको नजर आ रहा होगा ना, देखें जा जा हाँ, थर्ड जो सेलेबल है उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है डी मेजर, तो जहां कॉर्ड लिखा हुआ उधर ही बजाना है। तो दो लाइंस कैसे होंगी, इस तरीके से, ऐसे फ्लोइंग हो जाएंगे, आपका सॉन्ग बनता जाएगा। फिर कहता है कोई नहीं है वो हम, कोई, अब कोई के तो वही उसी स्टाइल में बज रहा है, D4 E4 और D4। नहीं इस दफा कैसे होगा, B3 और A3 हो जाएगा। फिंगर ऑर्डर देख लें, कोई मिडिल रिंग मिडिल, नहीं इंडेक्स से और थंब से, फिर हैं वो हैं के दो सेलेबल्स हैं, G3 और F#, और मिडिल और इंडेक्स से बजा रहा हूं, वो थंब से बजा रहा हूं, हम इंडेक्स इंडेक्स से, तो वो किधर है, E3 पे, और हम कहाँ है, F#। कॉर्ड वही है, कोई नहीं है वो हम, तो इस लाइन में लग रहे हैं दोनों कॉर्ड्स, तो थर्ड नोट पे सी मेजर ले लें और हम जब लास्ट नोट आ रहा है तो उधर बी माइनर, फिर वही मेलेडी रिपीट होती है। अब कहता है पापा मेरी जान, पापा मेरी जान, तो पापा कैसे, E3 और B3, पापा मेरी जान, मेरी दो सेलेबल्स, B3 C4 और जान B3, पापा मेरी जान, कॉर्ड कहाँ है, ई माइनर, वही सीक्वेंस सेम है, ई माइनर कॉर्ड फर्स्ट नोट पे लेना है, इस तरीके से, पापा मेरी जो हरदम रखना, और हरदम रखना वही सेकंड लाइन, तो हरदम, हर के दो सेलेबल्स हैं, E3 और F#, वही थंब और इंडेक्स से बजा रहा हूं, दम G3, रखना के तीन सेलेबल्स हैं, G3 A3 और G3, और कॉर्ड क्या, डी मेजर, हरदम रखना, ठीक है, देखो पापा मेरी जान हरदम रखना, समझ रहे हो, इस तरीके से प्रैक्टिस होगी।
अब हाथ ये सर पर तुम, अब हाथ, अब के दो भी बजा सकते हैं आप, ऐसे हुए सकते हैं E3 E3, लेकिन मैं एक बजा रहा हूँ, अब का एक सिलेबल ले रहा हूँ मैं। अब हाथ के दो सिलेबल्स, B3 B3, और ये कहाँ चला जाएगा, C4 पे। ये सर सर B3, एक ही सिलेबल, पर तुम, पर दो सिलेबल्स, F#3 और G3, पर तुम, और तुम F#3, और यहाँ कॉर्ड क्या, सी मेजर। अब हाथ ये सर पर तुम, और पर पे चला जाएगा, पर जो वर्ड आ रहा है उस पे B माइनर लगाना है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लाइन्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, बस लिरिक्स चेंज होते जाएंगे और ये सॉन्ग जो है इसी तरीके से चलता रहेगा, सीक्वेंस यही चलेगा सारा। एक दफा ये लाइन बजा दी, दूसरी दफा वो ए वाली लाइन बजा दी, फिर वही आ जाएगा। इसको कभी इस ऑक्टिव पे बजाएं, कभी इस ऑक्टिव पे बजाएं, सही, कभी यहां बजाएं, कभी इस ऑक्टिव बजाएं। आप इस तरीके से सॉन्ग को प्ले करते रहें तो आप इंजॉय करेंगे इसको। कभी इसको जो है ना बेस नोट्स पे बजाएं ऐसे, इस स्टाइल में बजाएं, ट्राई करें इसमें, कर तक करके देखता हूं मैं। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये क्या कहलाते हैं, ये बेसिकली लेफ्ट हैंड राइट्स हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो ई बी और ई ले रहे हैं, यानी पिंकी से E1 लिया और फिर इंडेक्स से B1 लिया और फिर थंब से, लेफ्ट हैंड चल रहा है, थंब से E2 लिया, ये ट्राइड्स, 1 2 3 1 2 3। अब इसी चीज को D पे कन्वर्ट कर दिया, D A और D, यानी D1 A1 और D2, और मेलोडी को कंट्रोल करना है भी राइट हैंड से, ये इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जाहिर है प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें आ जाती है। फिर सी का ट्राइड ले लें, सी जी और सी, और बी का तो क्योंकि हम पीछे जा नहीं सकते तो हमें यहां बजाना पड़ेगा, तो हम ले रहे हैं B1, F#2 और B2। सिर्फ ये लेफ्ट हैंड की अलग से प्रैक्टिस करेंगे ना तो बड़ा अच्छा आपका ये जो है ना इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अलग से करें प्रैक्टिस, 1 2 1 2 3। आई विल ऑल्सो प्रैक्टिस दिस सॉन्ग, ठीक है, आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। चले फिर किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, सी यू, अल्लाह हाफिज़।